एम्स एलिवेटेड रोड पे आपका स्वागत है। इसका नाम पाटलीपत भी है। टोटल 4 लेन्स है, 2 आइदर साइड पे। ये डायरेक्ट आपको दिखा से एम्स के पास छोड़ता है। इस पे रस अभी बहुत ही कम है। बीच बीच में रेस्क्यू लेन बनाए हुए हैं, इनके हिसाब की गाड़ी खराब हो जाती है तो साइड करके उसको ठीक कर सकते हैं। ये इमीडिएट हेल्प के लिए यूजफुल होगा। वो ये अच्छा हो गया। अभी सारे स्टेशन उस पर इंडिया का फ्लैग दिखता है, बड़ा सा, देख के अच्छा लगता है। चलिए एक यू टर्न तो दिखा, आई गेस ये मिड पॉइंट पे है। ये अच्छा है, बीच बीच में रेस्क्यू लेंस बने हुए हैं। अच्छी प्लानिंग से बना हुआ रोड है ये। ये हमारे राइट साइड में दानापुर स्टेशन है। चलिए अक्रॉस द कंप्लीट लेंथ में एक मिड पॉइंट पर आई गेस वो है, यू टर्न है। और ये तो हम एंड पॉइंट पे आ गए। चलिए आगे से यू टर्न लेके वापस चलते हैं इसी रोड से। स्ट्रेट जाएंगे तो एम्स, लेफ्ट साइड में महावीर कैंसर संस्थान, अनिशाबाद, राइट में नौबतपुर, अरवल, औरंगाबाद। चलिए आगे से यू टर्न लेते हैं। चलिए अब हम पाटलीपत पे वापस जा रहे हैं दीघा साइड। जेपी सेतु 11 किलोमीटर, सोनपुर 23 किलोमीटर। चलिए ट्रिप मीटर रीसेट करके हम लेंथ देखते हैं कितना है इसका। ये देखिए टायर बर्न आउट चल रहा है।
रोड की अच्छी बात यह है कि अभी तक इस पर रश नहीं है। हम लोग वापसी में लगभग 8 किलोमीटर चला चुके हैं और मुश्किल से 5-6 कारें आगे गई हैं। डायरेक्ट एम से अब सोनपुर जाने के लिए कोई रश नहीं, तो सोनपुर छपरा साइड से लोग आएंगे जो इमरजेंसी में, तो एम्स में पहुंचने में उनको टाइम कम लगेगा। ये रोड तो वरदान साबित होगा उन लोगों के लिए। इवन मुजफ्फरपुर हाजीपुर के लिए वालों के लिए भी चलिए। और हम एंड पे पहुंच रहे हैं पाटलीपत के। दीघा के पास पहुंच गए, इसलिए दीघा जीरो। जेपी से तो आगे है सोनपुर 15 किलोमीटर्स अराउंड, छपरा 57, मुजफ्फरपुर 71 एंड दरभंगा 138। एंड टोटल जो हमने कार के ओडो के हिसाब से आया, ट्रिप मीटर के हिसाब से, वो 9 किलोमीटर्स आया इसका लेंथ। चलिए अब यू टर्न ले लेते हैं।